आर्किटेक्चर कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारा जो शेड्यूल है ना वो इतना ज्यादा बिजी रहता है, इतना ज्यादा वर्कलोड, इतना शीट्स फाइल्स और मतलब सबमिशंस वगैरह वगैरह एक्सेट्रा सबमिशंस की डेट्स, तो मतलब बहुत सारा टेंशन है और बहुत सारा एक टाइम का कुछ मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, लास्ट वाली वीडियोस अपनी जितनी भी थी उसमें से मैक्सिमम आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो इसी के ऊपर थे कि भैया टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ टिप्स दो, ऐसे कोई 4 से 5 पॉइंट हो सकते हैं इफेक्टिव जो कि हमारे को टाइम मैनेज करा दे कॉलेज के अंदर, ऐसे कौन से 7 स्ट्रेटजीज है, 7 रूल्स है। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर तो मुझे भी ये चीज नहीं पता था, क्योंकि मुझे भी ना किसी ने बोला था ना ही मुझे पता था, बट लेकिन सेकेंड और थर्ड ईयर के अंदर आते आते बुक्स को पढ़ने के बाद मैंने इन रूल्स को साइड में निकाल कर रखा है जो कि आपके साथ डायरेक्ट शेयर करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मेन 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। स्टेटमेंट नंबर 1 कि आज के टाइम के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर टाइम को मैनेज करना, चीजों को टाइम पर पूरा करना इम्पॉसिबल है। तो ये भैया वीडियो किस चीज के लिए है, फिर हम क्या बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। पर साथ ही साथ के अंदर स्टेटमेंट नंबर 2 वाला ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है कि आज की डेट के अंदर इस वाले वीडियो को देखने के बाद जो चीज पहले इम्पॉसिबल लग रही थी वो अब एक्चुअली के अंदर पॉसिबल है। मार्केट में आज की डेट के अंदर ऐसे बहुत सारे रूल्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिनको यूज करने के बाद, फॉलो करने के बाद एक्चुअली के अंदर आर्किटेक्चर चाहे कोई सा भी फील्ड हो उसके अंदर टाइम को मैनेज करना पॉसिबल है, और स्टेटमेंट नंबर 1 को गलत प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने आपके सामने 7 रूल्स के कुछ पेपर बना कर रख रखे हैं। इन 7 रूल को एक एक करके आपको पेपर पे बताऊंगा उस रूल का नाम क्या है, और उस रूल को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमारी लाइफ के अंदर उसको अप्लाई करना है हमको। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और सबके लिए हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना मत करना, और अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है ना। और अगर और भी ज्यादा अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जो कि हमारे पास है यार कौन सा, ABCDE। क्या लिखा रूल नंबर 1, ABCDE, ठीक है भैया। क्या बोलता है रूल नंबर 1, इसको अपन यहां रख देते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, एक स्टेप्स है इसकी जो हमको फॉलो करनी है। क्या करना है, एक छोटी सी डायरी लेनी है। देखो ये मेरा हाथ में डायरी है छोटी सी, ठीक है, एक डायरी है। ये डायरी है मेरी थर्ड ईयर की, मतलब अभी मैं करंटली फोर्थ ईयर के अंदर हूँ जब ये वीडियो में बना रहा हूँ, तो ये डायरी मेरी है थर्ड ईयर की, ठीक है ना। अभी थर्ड ईयर के अंदर इस डायरी के अंदर मैं क्या करता था भैया, इसमें करना क्या है वो बताओ। देखो एक डायरी लेना, उसके ऊपर सबसे फ्रंट पेज के ऊपर लिख देना क्या चीज लिखोगे। देखो मैंने लिखा है माय डायरी, उसके बाद आपका नाम, बी आर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड फोर्थ जिस भी ईयर के अंदर आप हो। फिर लिखना नीचे टू डू लिस्ट, क्या चीज है टू डू लिस्ट, मतलब एक टू डू लिस्ट बनानी है हमको। क्या करना है टू डू लिस्ट के अंदर, देखो देखो जो भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ ना वो मैं बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहा हूँ। जैसे हम एक रात पहले सोए, जब भी हम सोए उसके अगले दिन हमको उठकर कैसे क्या काम करना है उसको अपन स्टेप वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल स्टार्ट करने से लेकर एंडिंग तक मैंने 7 रूल को इसमें अरेंज किया है। रूल नंबर 1 पहला कौन सा, ABCDE, वो अपन बात कर रहे हैं। पहला है टू डू लिस्ट। एक काम करना है आपको, जब भी दिन अगला जो दिन है ना उसके अंदर हमको जो काम करना है उससे पहले, जब एक रात पहले सो रहे हैं तब काम करना, ये कौन सा टू डू लिस्ट वाला। एक डायरी बना लो, छोटी बना लो, बड़ी बना लो, कोई सी भी डायरी बना लो ऐसी, उसमें क्या करो ऊपर डेट डालो कल की। लेट्स सपोज आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, ठीक है। सपोज एग्जांपल के लिए कल 6 तारीख की मैं डेट डालूंगा, 6 नवंबर अक्टूबर दिसंबर जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा डेट डाली। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने जो भी काम मुझे अगले दिन के लिए करने हैं, मुझे एक दिन पहले पता होता भैया कि मुझे कौन से काम अगले दिन करने हैं, वो काम सभी मैं उसमें लिस्ट में लिख लूंगा। एक रिसर्च कहती है, ध्यान देना, कि किसी भी काम को लिखने से वो 30% पहले ही हो जाता है, हमको बस 70% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है बस, उसके बाद वो काम 100% पूरा है। ये सच है, सच ये मैंने खुद ने अप्लाई किया और सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अप्लाई करके देखना, रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। 30% काम हो जाता है जब आप उस काम को लिख देते हो। इस डायरी के अंदर मैंने जो काम लिखे 30% पहले हो गए थे, बस मुझे 70% अप्लाई करना पड़ा था, एफर्ट डालना पड़ा था, फिर बस हो गया काम। ऐसा चाहे जादू समझ लो इसको, मैजिक समझ लो, पर लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। और ये अपने फील्ड की बात नहीं करूंगा यार, ये कोई से भी फील्ड के अंदर बात कर लो आप, सब में चीज अप्लाई होती है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। 10th of March की, ठीक है, 10th March के अंदर मैंने लिखा था, कुछ काम थे मेरे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला काम जो था टॉस की स्ट्रक्चर, एक सब्जेक्ट आएगा उसके मुझे कुछ नोट्स बनाने थे, वो ओपन बनाया। उसके बाद मुझे था कुछ ऐसा डिजाइन के अंदर एक कॉन्सेप्ट सोचना था, जो मेरे नए डिजाइन चल रही थी उसको करना था। उसके बाद हमारा कुछ मॉडल मेकिंग का कुछ एक मॉडल बनाना था, वो करना था। उसके बाद एक ऑनलाइन क्लास लेनी थी, ऑनलाइन लेक्चर था वो लेना था। उसके बाद कुछ कॉन्टेंट था उसको कुछ रिसर्च करनी थी वो करना था। उसके बाद मुझे शाम को कहीं जाना था, स्पोर्ट्स कुछ खेलने के लिए जाना था, आधा से 1 घंटा वो जाना था। हर चीज को, काम को क्या करना है मैंने लिख दिया। उसके बाद तो पहले 30% हो जाते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप अपना माइंडसेट बना लेते हो वैसा लिखने के बाद,
कि मुझे माइंडसेट अगले हिसाब से पहले करना है, पहले करना माइंडसेट है, काम फिक्स है, मतलब मैं इधर उधर भटकना नहीं, सोचना नहीं अगले दिन क्या करना है। उसके बाद अगले दिन उठना है, इस डायरी को उठानी है और अगले दिन एक एक करके जो भी हमारा काम है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, एक एक करके काम करते जाना है, राइट लगाते रहो, काम करते जाओ, टिक लगाते रहो। पर लेकिन यहाँ पर आता है जो रूल का नाम था ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई मतलब क्या, ध्यान देना कि जब भी हम इस डायरी के अंदर अपने काम लिख रहे हैं ना, उस काम को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। और जब काम को प्रायोरिटी देंगे तो प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग होगी, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग होगी। ए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाला काम होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस मोस्ट अर्जेंट, ऐसा कोई काम होगा जो कि इंपोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको हम नंबर वन प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे, नंबर ए के ऊपर रखेंगे। नंबर बी के ऊपर कौन सा रखेंगे, जो कि इंपोर्टेंट नहीं है पर लेकिन अर्जेंट है, तो उसको पहले करना पड़ेगा। नंबर थर्ड के ऊपर अर्जेंट नहीं पड़ लेकिन इंपॉर्टेंट है, नंबर फोर्थ के ऊपर इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है, ऐसा जो काम नंबर फोर्थ पे आएगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है, ऐसा काम अगर नहीं भी करें उससे कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे काम हम छोड़ सकते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि मुझे कौन सा काम एक्चुअली में करना है, एक्चुअली में कौन सा काम नहीं करना है। ए बी सी डी ई टेक्निक जो है टू डू लिस्ट के अंदर बनाकर हमको लेनी है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इस वाली स्टेप को बिल्डअप करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक चीज होता है कि हम आज कोई लिस्ट आप बनाओगे तो हो सकता है अगले दिन उस लिस्ट के जितने भी काम आप लिखोगे सबके सब काम नहीं होंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं होंगे, 2 से 3 हफ्ते आपको लगेंगे हर काम को समझने में, हैबिट डालने में। एक जब हैबिट आ जाएगी, जितने काम आप लिख रहे हो उतने उतने काम आप कर रहे हो, उसको आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, 2 to 3 weeks लगेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत से 2 से 3 काम, 5 के अंदर से 3 काम ही होंगे, 4 काम ही होंगे, 1 से 2 काम छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, वो सबके साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी को ही हमको धीरे धीरे बिल्डअप करना है। एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि यार हम हमारे लाइफ के सभी काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, हम सभी चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, पर एटलीस्ट इतना ट्राई करना है कि कॉलेज के जो हमारे जो असाइनमेंट है, कॉलेज की शीट्स हैं, कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, इनको अगर हम प्रायोरिटीज दे दें, इनको अगर जमा दें प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर पहले काम करना है मुझे, फिर उसके बाद ग्राफिक्स में करना है, उसके बाद बीएमसी में करना है, उसके बाद मुझे स्ट्रक्चर के अंदर करना है, उसके बाद मुझे सर्वे के अंदर करना है, उसके बाद मुझे कंप्यूटर में करना है, उसके बाद मॉडल मेकिंग करना है, उसके बाद मुझे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर करना है, उसके बाद मुझे वर्टिकल आर्किटेक्चर पढ़ना है, उसके बाद कॉन्टेंट रिसर्च करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर चीज को आप प्रायोरिटाइज कर लो बस अगले दिन के लिए, और उसके बाद उसको स्टार्ट कर दो। जो काम छूट रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वो सबसे आपकी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने उसको प्रायोरिटी के अंदर नहीं है तो छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो मोस्ट प्रायोरिटी जिससे सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है वो पहले कर देना। नेक्स्ट चलते हैं नंबर सेकंड के ऊपर, जो कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सुना भी हो, उस रूल का नाम है रूल नंबर 2, जो कि 80-20 रूल। 80-20 रूल की बात मैंने बहुत पहले एक बार वीडियो में जिक्र किया था, बहुत महीनों पहले वीडियो डाली थी, ठीक है। अपन बात करते फिर से 80-20 रूल क्या कहता है, ध्यान देना। 80-20 रूल है पता है एक्चुअली में बहुत बढ़िया चीज बताता है, सिंपल वर्ड का अंदर बताओ उसका मीनिंग क्या है, वो ये कि 80-20 मतलब कि 80% पूरे टाइम के, पूरे दिन के 80% काम ऐसे होते हैं जिनको करने से हमको 20% रिजल्ट मिलता है, या फिर 20% काम ऐसे होते हैं जिनको करने से हमको 80% रिजल्ट मिलता है। इसको कहते हैं 80-20 रूल। अब ये इसको अप्लाई कैसे करना है, सिंपल है। जब आप प्रायोरिटीज अपने कर रहे हो, आपने जब टू डू लिस्ट बनाई थी ना, ये काम इससे रिलेटेड है, टू डू लिस्ट जब बनाई थी आपने प्रायोरिटीज कर लिया था ए बी सी डी एफ जी चीज, तो आप स्टार्ट जब कर रहे हो तो ध्यान रखना कि पाम के अंदर पहला काम वो करें जिसके अंदर हमारे को करने से 80% जो है, जिसके अंदर क्या करना है हमको, वो हमारे को रिजल्ट मिले, ऐसा हमको काम पकड़ के पहले करना है। 80% जहां से रिजल्ट मिल रहा है, 80% हमको सीखने को मिल रहा है, 80% हमारे मार्क्स शायद इंक्रीज कर रहा है वो चीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कोई सब्जेक्ट उठा लिया जो कि बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और मेरे साथ भी ऐसे पहले कभी कभी होता है, ठीक है। और पहले बहुत होता था कि मैं क्या करता था, पहले इजी वाला पहले ले लिया, क्योंकि यार इजी जल्दी हो जाएगा ना, तो एक काम को तो इजी को ले लेता हूँ। और एक्चुअली में होता क्या है, इजी को ले लेते हैं और वो होता तो आधे या एक घंटे का काम है, पर लेकिन हम क्या करते हैं, पहले उसको लेकर उसको 4 से 5 घंटे दे देते हैं जो शायद नीड नहीं होती, या फिर एक घंटे का काम है तो उसको 2 घंटे दे देते हैं, उतना नीड नहीं होती। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे यार, जिसको करने से हमको 80% रिजल्ट मिल रहा हो, ऐसे 20% काम पहले करेंगे, और ऐसे 80% काम जिसको करने से 20% ही रिजल्ट मिलता है उनको बाद में करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रायोरिटी सेट करनी है हमको। तो यार 80-20 रूल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टू डू लिस्ट बनाने के अंदर, आपके काम करने के अंदर। तो यार इतना काम करने के बाद अभी हमने टू डू लिस्ट बना ली और अगले दिन हम 80-20 रूल के हिसाब से पहला काम हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहां तक हमारे फर्स्ट और सेकेंड रूल होते हैं खत्म। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर, जो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेप वाइज अगर बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रूल। रूल कहता है क्या,
20 सेकंड रूल। भैया 20 सेकंड का मतलब क्या है यार, बोलो समझना ध्यान से कि 20 सेकंड रूल का कहते ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 सेकंड रूल ये कहता है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि हमारे डेली लाइफ के अंदर कुछ गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स क्या होती है। देखो फॉर एग्जांपल, हम कभी कॉलेज गए, कॉलेज से फिर से आते हैं, हमारे जो सामान होते हैं कई बार हम देखते हैं हमारा सामान, जैसे फॉर एग्जांपल पेडल बार हो गई, हमारे जो भी स्टेशनरी के आइटम्स है, पेंसिल हो गई, शीट हो गई, तो कहीं पेंसिल पड़ी होती है, कहीं शीट रखी होती है, कहीं पैरेलल बार होती है, कहीं सेट स्क्वायर रखा होता है, कहीं हमारी टेबल होती है, चेयर वगैरह, मतलब कभी कभी चीजें हम देखते हैं इधर उधर होती है, बैग के अंदर होती है आधी चीजें हो सकता है कहीं इधर उधर रह जाती है, कहीं स्केल हो गया एक्सेट्रा, कोई भी चीजें इधर उधर रहती है, ठीक है। जब हम काम करने बैठते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, जब हम काम करने बैठते सब चीजों को पहले इकट्ठी करते हैं, हम क्या करते हैं, जब इकट्ठी करना हो गया ठीक है, स्टार्ट करना है काम हमको, अब चीजों को इकट्ठी करना है, हम पेंसिल वहां से लेने गए, हम उसके बाद हमने स्केल ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हम वो चीज ढूंढ रहे हैं, उसके बाद वो चीज ढूंढ रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है हमको चीजें मिलती नहीं है, उनको ढूंढते हैं, ऐसा ढूंढने में करने में 5 से 10 मिनट खराब होते हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है, आगे ध्यान देना। एक्चुअली होता क्या है ना, कोई भी चीज़ को नहीं मिल रही होती है, हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार वो चीज़ मिल ही नहीं रही यार, उसके बाद क्या करते हैं, फोन बड़ा होगा आसपास उसको उठा लेते हैं, उसको चलाने लग जाते हैं, ऐसा करते आधा से एक घंटा फिर खराब होता है फोन में, उसके बाद फिर से याद आता है एक्चुअली के अंदर मेरे को तो काम करना था, मैं कुछ चीज़ ढूंढ रहा था, मैं भूल गया वापस, उसके बाद फिर उसको ढूंढने में लगते हैं, फाइनली जब चीज मिल जाती है, ऐसा करके आपको टाइम तो बहुत खराब होता है उसके अंदर, उसके बाद आप चीजें इकट्ठी करके ला के रखते हो टेबल पे, उसके बाद काम स्टार्ट करते हो, ये बहुत टाइम खाता है, ये सुनने में तो बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें क्या टाइम लगता होगा ढूंढने में, एक्चुअली में कभी कैलकुलेट करना अनजाने के अंदर, एक बार पूरे दिन का शेड्यूल बनाना, उसके बाद कैलकुलेट करना कि आपने कभी सामान इधर उधर पड़े हो, ढूंढ कर आ रहे हो, काम कर रहे हो, कोई सामान मिला नहीं, उसके बाद आपने कितना डिस्ट्रेक्शन हुआ, कितना टाइम लगा फिर से ट्रैक के ऊपर आने में, इन चीजों को अगर एक बार कैलकुलेट करेंगे तब पता चलता है एक्चुअली में कि कितना टाइम ये चीजें खा रही है हमारा। इसका सॉल्यूशन क्या है, वो था क्या 20 सेकंड रूल, क्या कहता है, एटलीस्ट हमको 20 सेकंड लगने चाहिए हमारा सामान इकट्ठा करके सब कुछ टेबल के ऊपर लाने के लिए। अगर आप 20 सेकंड के अंदर अंदर अपना सामान सब कुछ इकट्ठा करके अपने टेबल के ऊपर लाकर रख देते हो तो गारंटेड उस काम को आप जल्दी से जल्दी खत्म कर दोगे, स्टार्ट करके जल्दी खत्म कर दोगे, 20 सेकंड के अंदर सब काम तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जब भी कॉलेज से आते हो, जब भी कुछ कर रहे हो, अपना सामान एक जगह रखो, स्टेशनरी का या फिर जो भी काम का सामान हो गया, शीट्स, स्टेशनरी आइटम्स, पेंसिल, रबर एक्सेट्रा, जो भी चीजें, उसका एक स्थान बना लो, अलग से एक जगह बना लो, फिक्स कर लो प्लेस, सामान बाहर से लाऊंगा, नया सामान, पुराना, काम में शीट आदि अधूरी, सब सामान एक ही जगह रहेगा कि मुझे यही रखना सारा सामान, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। 20 सेकंड बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है, ये आपको मतलब लेट होने से बचा रही है, लेट होने से बचा रही है काम को, बहुत लेट करने से बचा रही है आपको, जल्दी काम स्टार्ट कर देगी। एक कभी कभी इच्छा भी होती है जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, तो एक जल्दी काम करने की इच्छा होती है, तो कभी कभी कोई सामान नहीं मिल रहा हो तो लेट हो जाता है, फिर माइंड क्या करता है, माइंड भी मतलब एक आलस करने लग जाता है, एक प्रोकास्टिनेशन टाइप आ जाता है माइंड में, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। काम जल्दी करने के लिए सामान रेडी होने चाहिए, वो रेडी करने के लिए 20 सेकंड रूल काफी पावरफुल है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, इससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रूल है यार, 20 सेकंड वाला रूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे भी एक खतरनाक वाला रूल है, वो देखना, वो कहता है 5 सेकंड रूल। अब भैया 5 सेकंड के अंदर क्या करना है, ये तो चुटकी बजाते हो जाते हैं 5 सेकंड, तो अब शायद मैंने बोला होगा उतने भी 5 सेकंड हो गए। 5 सेकंड रूल क्या कहता है, ध्यान देना, कभी भी ध्यान दो, एग्जाम्पल के लिए हमने 20 सेकंड रूल को अप्लाई किया, 20 सेकंड रूल के हमने सामान सब ला के रख दिया टेबल के ऊपर, जमा दिए, ठीक है, ध्यान देना। अब कभी ऐसा होता है सब सामान रखने के बाद एक थोड़ा सा ना प्रोकास्टिनेशन टाइप, कभी कभी ऐसा मन में ऐसा हल्का सा होता है कि यार अब तो ठीक है काम स्टार्ट करना है, एक काम करता हूँ फोन देख लेता हूँ कुछ आया तो नहीं है, लास्ट एक बार फाइनल देख लेते हैं फोन, या फिर एक बार मैं कहीं जाके आता हूँ, 2-5 मिनट के जाके आता हूँ, कोई दोस्त का फोन आ गया, एक बार बात कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, मतलब कुछ ऐसा छोटी सी डिस्ट्रेक्शन मान सकते हैं, छोटा सा ऐसा काम, छोटी चीजें आती है, एकदम से आती है, कभी कभी आती है, चूंकि काम करने के जस्ट पहले होती है, या फिर बहुत बड़ी चीज होती है, अगर कोई काम ना भी आए तो हमारे अंदर ओवरथिंकिंग बहुत होती है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है यार, मैं आपको बता दूं कैमरे के सामने, ठीक है, मैं भी पता है कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरथिंक, बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ काम करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। जैसे मैं आज का बात करता हूँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं 15 से 20 मिनट खड़ा सोच रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था, ठीक है, ओवर थिंकिंग, वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ, कभी किस थॉट्स आ रहा है, कभी का थॉट आ रहा है, सोच रहा हूँ, बैठा बैठा खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ ओवर थिंकिंग। कहीं ना कहीं हमको पता भी होता है कि मुझे काम करना है, पर लेकिन तो भी हम पता नहीं क्यों वो जो ओवर थिंकिंग हो रही है, सोच हो रही है, वो हमारे ऊपर ज्यादा डोमिनेंट हो रही है। इसको रिमूव करने का तरीका और इंस्टेंट अपने काम के ऊपर आने का तरीका क्या होता है, 5 सेकंड रूल, उल्टी गिनती बोलनी फटाफट जल्दी, 5 4 3 2 1, जैसे ही खत्म हुई काउंटिंग 5 4 3 2 1 0, इंस्टेंट हटो अपनी
काम से, ओवर थिंकिंग से, या फिर जो भी डिस्ट्रक्शन से, बंद करो फटाफट से अपने काम के ऊपर आ जाओ। पांच तक गिनती बोलना उल्टी, उल्टी गिनती बोलना, सीधी मत बोलना, सीधी बोलोगे तो बोलते रह जाएंगे, उल्टी बोलेंगे 5 सेकंड, और विद इन 5 सेकंड्स के अंदर आप देखना आपको ध्यान कहीं भी होगा ना हटकर जल्दी अपने काम के ऊपर आ जाएगा। ये रूल आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, अभी अप्लाई करके देखो, अभी अप्लाई करो, कोई छोटा सा काम ले लो उसको 5 तक गिनती बोलो, उसके बाद ऐसे उसको काम करोगे तो आपका माइंड एकदम से क्या करेगा, एक आपको जो आपको याद दिलाएगा कि हाँ मुझे 5 सेकंड के बाद जल्दी से इस काम को करना है, जल्दी से उस काम को कर लोगे। 20 सेकंड रूल, 5 सेकंड रूल, मतलब 5 सेकंड रूल तो मेरा मतलब बहुत ज्यादा ऐसा मतलब मनपसंद है, मतलब ठीक है, मैं कभी भी यार कहीं ऐसा बहुत ज्यादा फोन चला रहे होते हैं, कभी पर्सन कोई चीज देखे जा रहे हैं, अब उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि भैया मुझे काम भी करना है, याद है अपनको माइंड में पीछे है मुझे काम करना है, मुझे काम करना है थोड़ी देर बाद, अपन खुद से बोल भी रहे हैं कि बस यार बस थोड़ी देर 5-10 मिनट में चलते हैं, बस 15-20 मिनट और चलते हैं, बस ये 10 मिनट और फिर चलते हैं। तो इस केस के अंदर क्या करना है, 5 तक गिनती बोलनी उल्टी, जैसे ही गिनती बोलोगे 5, 4, 3, 2, 1, फोन या जो भी हो बंद करा, फटाफट से टेबल के ऊपर आके बैठ जाओ और काम स्टार्ट कर दो, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट इफेक्ट, 5 सेकंड रूल। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर, जो कि यार ये भी बोल सकते हैं कि एक मोस्ट पावरफुल और मोस्ट एसेंशियल रूल है। देखो रूल नंबर 5 हमारे को बोलता है क्या, ये से नो टू 23 मिनट। अब ये क्या चीज है यार, से नो टू 23 मिनट, से नो टू डिस्ट्रक्शंस तो देखा है, से नो टू 23 मिनट, 23 मिनट का मतलब क्या है ये देखते हैं। जो इसके भी एग्जांपल सुनते हैं, होता क्या हमारे साथ, हमने जब 5 सेकंड रूल, 20 सेकंड रूल सबको अप्लाई कर दिया और हम काम करने बैठ गए, क्योंकि 5 सेकंड रूल के बाद तुम काम करने बैठ जाएंगे, डेफिनेटली बात है, बैठ गए काम करने, शीट लगा लिया, जो भी हम लैपटॉप पे कहीं भी काम करें बैठ गए काम करने, होता क्या है फोन हमारे पास है, कोई फ्रेंड है ठीक है, या फिर जनरली कोई फ्रेंड ना हो तो फोन तो हमारे पास हमेशा है, वो तो ऑलवेज सदा बाहर है, यूनिवर्सल हमारे पास रहता ही है, फोन हमारे पास है, कोई भी नोटिफिकेशन आई, कोई भी फोन कॉल आया, डेफिनेटली बाद हम फोन उठाएंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आया, हमारी आदत होती है यार ठीक है फोन को पास में रख के काम करने की, और कोई भी फोन आता है नोटिफिकेशन बजता है जल्दी से उसको उठाकर देखेंगे, एक नोटिफिकेशन होता है शायद, अगर वो नोटिफिकेशन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, स्नैपचैट हो, जो भी इंस्टाग्राम जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं आज के जमाने में, जो भी चीज हम देख रहे हैं, किसी का नोटिफिकेशन हो उसको एक बार ओपन कर लेते हैं, उसकी पोस्ट देख लेते हैं, उसके रिलेटेड नीचे 50 लोगों की और पोस्ट देखते हैं, 60-100 लोगों की और पोस्ट देखते हैं, अगर गलती से काम के बीच में रील सेक्शन खोल लिया, रील शॉर्ट्स वाला सेक्शन, उसको देखते देखते 50-100 बार रील शॉर्ट स्वाइप अप कर लिया, इतना टाइम खा जाती है ना आपका, जितना बार शायद आप उस पूरे काम को इफेक्टिव फोकस के साथ करते तो जल्दी कर सकते थे। और अगर मैं इसको मोटा मोटा कैलकुलेशन के हिसाब से बात करूं तो 23 मिनट का मतलब क्या है, एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक रिपोर्ट निकाली गई थी शायद 2021 के अंदर, एक रिसर्च की गई थी, इंटरनेट के ऊपर आप पढ़ना, उसमें लिखा था कि अगर हम किसी भी काम को बहुत ज्यादा फोकस से कर रहे हो उसके बीच में अगर डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं मोबाइल फोन एक्सेट्रा, उसके बाद फिर से वापिस उस काम के ऊपर आते हैं तो काम के ऊपर फिर से फोकस लगने में उसी लेवल का 23 मिनट मिनिमम लगते हैं अपने माइंड को, इसलिए बोलता हूँ उस 23 मिनट को नो करो। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, अगर कोई 1 घंटे का काम है, हम उसके अंदर अगर आधा घंटा हमने काम किया, फिर आधे घंटे बाद कोई नोटिफिकेशन आया, कोई हमने उठा लिया, अगर हमने 10-15 मिनट भी उसको चलाया कोई एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद हम फिर से आ रहे हैं, फिर 23 मिनट मतलब अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लग रहा है ठीक है, आधा घंटा उसका और मान लो, उसके बाद फिर आधा घंटा फिर वापस काम करने का, मतलब 1 घंटे काम कम नहीं किया, 2 से 2.5 घंटे तक खींच लिया। और ऐसा करते करते हो सकता है आपने फोन अगर 3 से 4 बार भी अगर बार बार फोन उठाते हो तो फिर से वो डिस्ट्रक्शन होगा, फिर से वो चीज आएगी, तो हमको उस काम को और ज्यादा खींच लेते हैं, और ज्यादा खींच लेते हैं, ये चीज होती है। इसके इसके अंदर ध्यान देना कि अगर अपने जो रूल नंबर 1 की बात करी थी, 2 की बात करी थी, 80-20 रूल कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पहले काम करेंगे 20% ऐसे कोई काम होंगे जिसके 80% रिजल्ट मिलता हो, उस केस के अंदर अगर आप ऐसी चीजें उठा लोगे डिस्ट्रक्शन फोन वगैरह तो उन काम को और ज्यादा लंबा खींच देगी, पूरा पूरा दिन निकल जाएगा एक काम के अंदर। और ऐसा कभी कभी होगा, शुरू में होगा ही होगा डेफिनेटली मैं बोलता हूँ, पर धीरे धीरे हैबिट बननी चाहिए चीजों की, हैबिट जरा जरूरी है, अपनी हैबिट के अंदर आने दो रूल्स को। उसके लिए करना है सिंपल सा तरीका, अगर फोन है तो डेफिनेटली बात है, जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, शीट इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, साइलेंट कर दो, साइलेंट का ऑप्शन सब में होता है, साइलेंट कर दो, नहीं है तो एयरप्लेन मोड में डाल दो, किसी का फोन आएगा तो इंपॉर्टेंट कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर देंगे, साइड में रख दो फोन को ले जाकर, पास में रखो ही मत, अपने टेबल के ऊपर फोन दिखने ही मत दो, फोन को नीचे रख दो, बाहर कहीं रख दो, साइड में रख दो, दिखने ही मत दो, साइलेंट करो, साइड में रख दो, दिखेगा ही नहीं कि अगर डिस्ट्रक्शंस आर पार तो गारंटेड डिस्ट्रक्शंस होगा ही नहीं, जीरो डिस्ट्रक्शंस, बिल्कुल जीरो डिस्ट्रक्शंस, काम फोकस के साथ जल्दी काम कर दोगे ठीक है, धीरे धीरे अपना सब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर, जो कि सेकेंड लास्ट रूल, जो कि यार एक बहुत अच्छा रूल है, जिसका नाम क्या, देखो
वन बाय वन। रूल नंबर सिक्स क्या बोलता है? वन बाय वन। वन बाय वन का मतलब क्या, देखो सिंपल नाम से पता चल रहा है, वन बाय वन, एक बार में एक काम करना है। होता क्या है, जब आपने लिस्ट बनाई थी, टू डू लिस्ट, उसके अंदर आपने लेट सपोज आपने पांच काम लिख लिए, ठीक है, पांच छह काम मान लो आपने, छह काम लिख लिए, एक दो तीन चार पांच छह। हाँ, हम क्या करते हैं, कल सुबह उठते हैं, उठते छह काम को देखकर डर रहे हैं कि यार छह काम है, कौन करेगा, एक दिन ही तो बाकी है। ऐसा करते करते थोड़ा सा टाइम और निकाल देते हैं इन सब चीजों को सोचने में। मत सोचो, एक बड़ा सारा पहाड़ होता है ना पहाड़, मुझे इस पहाड़ में से रास्ता निकालना है। अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा मैं पहाड़ को कैसे तोड़ू, नहीं, मुझे रास्ता जहां से निकालना है मैं उस पॉइंट को ढूंढूंगा। उस पॉइंट को ढूंढने के बाद वहां जो पहला पत्थर होगा उस पत्थर को निकालूंगा, उस पत्थर को निकालूंगा, धीरे 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 करते करते एक छोटे से पार्ट को खोदना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे रास्ता बनाऊंगा, अपने आप रास्ता बन जाएगा पूरा पहाड़। ज्यादा कुछ पहले करने की जरूरत नहीं है, छोटे से पार्ट के ऊपर फोकस करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, हम जब जेई मेंस नाटा वगैरह की जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की हम तैयारी करी थी हमने, अगर आपने करी थी होगी, करी होगी, आपने दिया होगा एग्जाम, उसके अंदर जब पूरा सिलेबस देखते हैं कितना बड़ा लगता है, डर लगता है। पर एक सिलेबस को ना देखें, एक छोटे से चैप्टर को देखें, उस चैप्टर के अंदर एक छोटे से टॉपिक को देखें, उससे स्टार्ट करें पढ़ना, तो क्या धीरे धीरे एक दो तीन चार पाँच छः टॉपिक करते करते चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा, और चैप्टर खत्म करते करते पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा। तो एक साथ बड़ी चीजों को नहीं देखना है, ऐसा करके सब काम को एक साथ देखकर डरना नहीं है, एक बार में एक काम उठाना है, उसको स्टार्ट करना है, उसको पूरा करना है, उसके बाद सेकंड पे आना है। और जब एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा काम, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी अर्जेंट काम आप पूरा कर दोगे, तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना भाई साहब, वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा, इतना ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा कि आप बाकी काम तो फटाफट निपटा लोगे, इंस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंस्टेंट काम करोगे इंस्टेंट। और अगर बीच बीच में ऐसे रूल्स के काम लेते रहोगे, 20 सेकंड रूल, 5 सेकंड रूल, इन रूल को अगर बीच बीच अप्लाई करते रहोगे, तो फिर तो मस्त, मतलब कोई जवाब ही नहीं है आपका, मजा आ जाएगा, ठीक है। और गलती से अगर आप डिस्ट्रक्शन से फोन आ भी जाते हैं, तो उसके लिए 5 सेकंड रूल भी इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड रूल कभी भी अप्लाई हो सकता है, जरूरी नहीं आप काम के पहले अप्लाई करो। आप लेट से, आपने सपोज गलती से किसी का फोन आ गया, घर से फोन आ गया, किसी का फोन आ गया, हमने फोन उठा लिया, काम करते करते बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने फिर से कोई नोटिफिकेशन देखा फोन काटते ही, उसके बाद 5 सेकंड रूल को फिर से अप्लाई करो जल्दी से फटाफट से। फोन माइंड में एक बार हमको आएगा काम करना है, जल्दी से 5 4 3 2 1 फोन को बंद करा, साइड में काम पर आ जाओ फटाफट। 5 सेकंड रूल कभी भी अप्लाई हो सकता है, काम के बीच में हो, काम के स्टार्टिंग में, लास्ट में, बाद में, किसी भी काम के अंदर, किसी भी लाइफ में, किसी भी काम में। मैं तो इसको हर जगह अप्लाई करता हूँ, हर जगह, कहीं भी बाहर आना हो, जाना हो, कहीं भी, कभी भी फंस गए किसी सिचुएशन में, फंस गए, 5 सेकंड रूल खत्म, उस सिचुएशन से निकलो, दूसरी के अंदर आओ फटाफट जल्दी, ये चीज काम करनी जरूरी है, ठीक है ना। रूल नंबर 7, ओ रूल नंबर 7 का तो हमारे पास यार पेपर है नहीं, ठीक है, तो रूल नंबर 7 का पेपर हमने नहीं लिखा है, क्योंकि रूल नंबर 7 को लिखने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 7 एक लास्ट रूल है, जो कि इंपॉर्टेंट रूल है, कि यार क्या करना है आपको, लर्न एंड एग्जीक्यूट। देखो, ये जो भी आप रूल आप फॉलो करोगे, जो भी चीज आप करोगे, ये सब चीज आपको रिजल्ट एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन के अंदर 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। और शायद आप रूल को हमेशा फॉलो करते रहोगे 100%, ऐसा कोई कोई दिन आएंगे जब का आपका ऐसा बड़ा सारा काम होगा, जब शायद पूरा पूरा दिन उस एक काम में निकल जाए, तो पॉसिबल हो सकता है, उसको देखकर वापस नर्वस नहीं होना, डरना नहीं, इस रूल को फॉलो करते रहना अगले काम के लिए, अगले काम के लिए, धीरे धीरे हैबिट के अंदर डालना है चीजों को। हैबिट के अंदर जब चीज आने लग जाएगी, तब आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, और आपको लगेगा उस समय कि 90-95% तक मेरा रिजल्ट जा रहा है, तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे अपने इस काम को अप्लाई करने के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। 100% परफेक्शन किसी भी चीज में नहीं होता, ये अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागना कि मैं चीजों को 100% पूरा कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे किसी के भी साथ नहीं होता। किसी को भी बड़े से बड़ा इंसान उठा लो, कोई 100% काम पूरा नहीं कर सकता अपना, कोई नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबके सब काम, अपने बोला 80-20 रूल, अपने पूरे दिन के अंदर 80% काम ऐसे होते हैं जिनको करने से 20% ही रिजल्ट मिलता है, तो उनको काम कोई नहीं करता, पहले काम करते 20%, जिनको करने से 80% रिजल्ट मिल सकता, इफेक्टिव वाले काम, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के अंदर ज्यादा हो, वो काम पहले करना है हमको। आपको क्या करना है, जो भी काम आपने कल किया, जो भी परसों किया, उसके बाद जो भी काम रह गए थे, उनसे सीखना है, लर्न, उनसे सीखो और एग्जीक्यूट करना है चीजें। जैसे आज आपने रूल सीखे, तो 7 रूल को एग्जीक्यूट करना है, तभी तो इनका रिजल्ट मिलेगा। वीडियो को सुनने से, देखने से रिजल्ट मिलना मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल ही होगा। रूल को देखा है, लर्न किया, कुछ सीखा है, ट्राई समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू, कुछ सीखा है। आज आपने 7 रूल सीखे, आज से ही इन 7 रूल को, एक रूल, दो रूल, तीन रूल से स्टार्ट करना। ऐसे वीडियो के बाद आप 5 सेकंड रूल को अप्लाई करके देखो कितना मजा आएगा, 20 सेकंड रूल को अप्लाई करके देखो कितना मजा आएगा, देखना। और मजा नहीं आया तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि भैया मजा नहीं आया रूल के अंदर। अगर अप्लाई करने के बाद मजा नहीं आता है, तो रिजल्ट नहीं मिलता, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। इतने शानदार वाले रूल यार, बुक्स को पढ़ने के बाद, मुझे निकाल कर रिसर्च करने के बाद, रूल को लाकर रखा आपके सामने, 7 रूल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है।
फॉलो करके देखो यार, गारंटेड रिजल्ट मिलेगा, मुझे मिलता है, आपको मिलेगा और सबको मिलता है, आपको मिल सकता है। और एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट हम बोलते हैं हमारे लिए रूल मतलब एक ना गॉड गिफ्टेड है, ब्रह्मास्त्र है रूल्स। देखो ऐसे करके रूल्स बहुत सारे तरीके रूल्स है, पता है ये अपने सात रूल की बात करें, ऐसे और बहुत सारे तरीके रूल्स हो सकते हैं, छोटे बड़े रूल्स, उनके लिए और रिसर्च करके और आपके लिए लेकर आऊंगा। ऐसा टाइम इनसे भी चीजों को निकल सकता है, आप मैनेज कर सकते हो टाइम को, अपनी हॉबीज के लिए भी अलग से टाइम निकाल सकते हो, पर लेकिन क्या ऐसे और तरीके हो सकते हैं कि हमारे पढ़ाई के साथ साथ हम हॉबीज के लिए टाइम निकालो, और कितना टाइम हमारे को हमारी हॉबीज को देना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसके बारे में एक अलग से डिटेल में बात कर सकते हैं कि यार मैं मेरी हॉबीज के लिए, मेरी हॉबीज क्या है, मैं उसके लिए कैसा टाइम निकालता हूँ, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, उसके बाद बताएंगे अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे उसको, ठीक है। बाकी और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना, और मिलते हैं अपनी नई अगली धमाकेदार शानदार वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट करना और शेयर करना इसको, और अच्छी लगी तो लाइक करना, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मिलते हैं यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को सुनने के लिए और यहाँ तक पहुंचने के लिए, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो गारंटेड आपको इस रूल का अप्लाई करने का पूरा 100% रिजल्ट मिलेगा, देखना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।